नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सपना मध्देश। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बालूरघाट सांसद सुकांत मजुमदार पूर्व मेदिनीपुर के मेचड़ा में रामनवमी के पर्व की शुरुआत करेंगे। डीए पर मुख्यमंत्री के कटाक्ष के जवाब में सुकांत मजुमदार ने कहा, ममता बनर्जी इसलिए व्यंग करेंगी क्योंकि उनके परिवार में किसी को मेहनत से नौकरी नहीं मिली। एसएससी की परीक्षा से नौकरी पाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक बन चुके लोगों की परेशानी वह नहीं समझ सकते। अगर उनके परिवार में से किसी को परीक्षा से नौकरी मिली होती तो वह सुकांत मजुमदार के व्यंग को समझा जाता। मुख्यमंत्री के कटाक्ष के जवाब में उन्होंने कहा कि रामनवमी हिंदुओं द्वारा मनाई जाती है और दूसरे धर्म के लोग भी इसे मना सकते हैं, इसलिए सभी के लिए राज्य समान नीति होनी चाहिए। राज्य अपने नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर अलग व्यवहार नहीं कर सकता और न ही पश्चिम बंगाल का प्रशासन कोर्ट में जाने पर हार जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोगदोई के लोगों को पैसे से खरीदा गया था। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि बोगदोई के लोगों को पैसे से किसने खरीदा, लेकिन यह साबित और स्थापित कि बोगदोई के लोगों को जलाकर मार डाला गया, इसलिए पैसे से खरीदने वालों ने सुकांत मजुमदार के कमेंट को जलाने से अच्छा है। देखिए मेदिनीपुर से प्रदीप कुमार मायती की यह खास रिपोर्ट।